नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अब आप घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर ही अपनी मतदाता पहचान पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने एक ई वोटर पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर आप सामान्य प्रक्रियाओं के तहत ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर अपने मोबाइल में सेफ रख सकते हैं। हालांकि डाउनलोड करने के लिए वोटर कार्ड का इपिक नंबर रहना जरूरी है। डाउनलोड करने से पहले मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आएगा। नई वेबसाइट के जरिए लोग अपनी वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी का मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला है और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, तो ऐसे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ई वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले लोगों को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट वोटर पोर्टल पर जाना होगा या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर अपने राज्य और जिला का चयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद दिए गए कॉलम में इपिक नंबर डालना होगा। जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP को दिए गए कॉलम में डालकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इपिक नंबर याद नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड को सर्च करने का एक और तरीका है, जिसमें आप उसे पोर्टल पर राज्य और जिले का चयन करने के बाद अपना सरनेम डाल सकते हैं। इससे भी आप मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। पटना जिले की बात करें तो इस जिले में 47,12,626 मतदाता हैं, जिसमें 24,73,576 पुरुष तथा 22,38,881 महिला मतदाता हैं। इस जिला में 905 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए जिले में ई इपिक काउंटर भी स्थापित किया जाएगा। काउंटर पर लोगों को मतदाता पहचान पत्र को डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन इसकी व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोटर आईडी कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया, जिसे मोबाइल फोन या किसी पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। ये ई वोटर फोटो पहचान पत्र नॉन एडिटेबल वर्जन में उपलब्ध होगा, यानी कि आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसे आप डिजिटल लॉकर जैसी जगहों पर रख सकेंगे। इलेक्शन कमीशन से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आप इसका प्रिंट निकाल कर रखना चाहते हैं तो आप इसका PDF वर्जन भी निकाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि आम वोटर्स कार्ड प्रिंट होने में समय लगते हैं और वोटर के पास पहुंचने में टाइम लग जाता है। इसे लॉन्च करने के पीछे जो विचार है वो तेज डिलीवरी और डॉक्यूमेंट तक आसान पहुंच होने का है। आपको बता दें कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं। 1993 में आए इलेक्टर वोटर आईडी कार्ड को पहचान और पता दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताते चले कि बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने ई वोटर पोर्टल को लॉन्च किया है, जिस पर आप सामान्य प्रक्रियाओं के तहत ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर अपने मोबाइल में सेफ रख सकते हैं। अब बिहार के वोटर्स पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।